ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने छोटे छोटे से पीसेस में इसे काट लिया है। 1.5 किलो मैंने कलेजी ली है तो इसे मैंने धो लिया है और इस तरह से इसको कोई जाली के मतलब टोकरी में या किसी भी छन्नी में रख के इसका मैंने पानी निकाल दिया है। इसको धोने का भी बहुत ही आसान तरीका है, मैं वो वीडियो में बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम कलेजी को, ये देख सकते हैं, मैंने टोकरी सुराख हमारी से निकाल के इसको अब ये पतीली में डाल दिया। इसे अब मैं ये 3 टमाटरों को मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के अब मैं ये इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 टमाटर इसके अंदर चलेगा, देख सकते हैं आप। हमने इसको 3 टमाटरों का ऊपर लगा दिया पेस्ट, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी भी डाल दिया था और इसे मशीन में चला के जग में इसके अंदर ये डाल दिया। अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, तो मैं इसे मसाला भूनते तक रखूँगी। अब हम इसके अंदर ये भर के मैंने ये वाला चम्मच इसके अंदर घी का डाला है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में बहुत ही मज़ेदार सी ये कलेजी हमारी बन के तैयार होएगी। अगर आप भी घी में बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। तो गरम कर लिया है, घी हमारा गरम हो चुका है। ये 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, मैंने इनको पीसा है। आप भी अगर पीस लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मैंने इसके अंदर डाल दी है प्याज। अब इन प्याजों को हम हल्का सुनहरा करेंगे, बिल्कुल हल्का से आप गुलाबी थोड़ा सा करेंगे इसको। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े हल्के गुलाबी होने चाहिए, इस तरह से बिल्कुल जलाने नहीं है ये। अब इसमें हम ये शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास 1 kg है, 1 किलो है आपके पास कलेजी, तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। अगर 1.5 kg है तो फिर इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जाएगा। तो मैंने ये 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट एक हिसाब से पीस लिया। चलिए अब ये शामिल कर देती हूँ इसके अंदर और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। ये 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक डाल के भून लिया था। अब इसके अंदर मैं ये उसी कटोरी में लहसुन अदरक वाली कटोरी में पानी डाला है थोड़ा सा, और ये मैं इसमें डाल दूँगी।1 टेबल स्पून मैंने धनिया डाल दिया है। जीरा जो है वो 1 टीस्पून। हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। आप ये देख सकते हैं इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है अच्छी तरह से। जब मसाला भून जाए तो उसके अंदर हम ये कलेजी शामिल कर देंगे। कलेजी को आप लोगों ने देखा कि मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट लगा के रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इसे पूरे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमारे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे पकाया था। अभी हम ढक्कन हटाते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं। ये देखें, इसके अंदर हमने कोई पानी ऐड नहीं किया, ये कलेजी ने अपना पानी छोड़ा है, और जो हमने ऊपर टमाटर लगाए थे टमाटर ने अपना पानी छोड़ा है, वो वाला पानी है, हमने कोई ऊपर पानी नहीं लगाया। अब इस पर हम ये 3 अदद हरी वाली ये मिर्चें डाल देंगे। आप कूट के भी डाल सकते हैं, मैंने काट दी हैं। ये इसमें डाल देंगे और इसका पानी जो है वो खुश करने तक इसको पकाएंगे। तो जी मैंने कलेजी धोने का आपको बताया था कि कलेजी किस तरह से साफ करते हैं। कलेजी के धोने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने इसको क्या किया था, 1 लहसुन की पूरी पोटी जो होती है ना वो मैंने कूट ली थी छिलके समेत, और उसके ऊपर लगा दी थी और उसे रख दिया था तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। और उसे 20 मिनट के लिए रखने के बाद उसको मैंने
वॉश किया और उसे धो लिया, और फिर जाली वाले मतलब पतीली में, जाली वाली किसी टोकरी में या किसी भी छन्ने में या किसी भी ऐसे बर्तन में रखें जहाँ से पानी उसका जो है वो पूरा निचक जाए। तो ये देख सकते हैं आप। तो चलें जी, हमारी परफेक्ट कलेजी जो है वो तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं आयल जो है वो ऊपर आ गया बिल्कुल, हमने इसको अच्छी तरह से ये भून लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक मैंने नहीं डाला। नहीं, मैं नमक भूल ही नहीं हूँ, मुझे याद है नमक। गरम मसाला भी मैं अभी डालूँगी, क्योंकि गरम मसाला जो है वो पहले से डाल देने से वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। सालन दिया देखिए, गरम मसाला जो है आप हमेशा से ही घर का पिसा हुआ लें। ये मेरा होममेड है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने जयफल जयत्री वाला ये गरम मसाला है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टीस्पून। अब मैं इसके बस इसमें नमक शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून, और आप अपने जायके के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। आप ज़्यादा नमक नहीं खाएं, नमक जो है वो आप अपने जायके के मुताबिक। बस आप थोड़ा सा मैं इसे मिक्स करूँगी। आप नमक डाल के इसे पकाना आपने नहीं है, यही है इसका जो नरम और मुलायम हमारी कलेजी तैयार होगी इसी से होगी। नमक आप डाल कर इसे भूनने की तरफ चले जाएंगे तो जो आपकी कलेजी है वो बिल्कुल सुखड़ जाएगी और नरम मुलायम नहीं पकेगी। तो जी, मैं आपको ये दिखाती हूँ ये कितनी हमारी नरम और मुलायम कलेजी बनकर तैयार हुई है। मैं तो ये देखें जी, माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक, मेरे अल्लाह की शान देखें, ये कैसी मज़ेदार सी ये हमारी कलेजी बनकर तैयार हुई है। और खुशबुएँ तो क्या खुशबुएँ उड़ रही हैं भाई, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से इसे खाऊँगी। चलें जी, अगर आपको ये मेरी वीडियो कलेजी की अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।